हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज के इस करेंट अफेयर के वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि रिलेटेड हैं समिट से कोविड नाइन्टीन से एंड इम्पॉर्टेंट डेज से अगर आप इन सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है द फिफ्टी वंथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम विल बी होस्टिंग अ यूनिक ट्विन समिट इन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक सबमिट होस्ट करने जा रहा है जिसका नाम है ट्विन सबमिट वो किस इयर या मंथ में होगा तो हमारे ऑप्शंस हैं दिसंबर 2020 जनवरी 2021 फरवरी 2021 एंड मार्च 2021 हमारा करेक्ट ऑप्शन है जनवरी 2021 जनवरी 2021 को ही फिफ्टी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्ट करेगा क्या ट्विन समििट को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक ट्विन समिट विल बी हेल्ड इन जो हमारा ट्विन समिट होने वाला है जो कि कंडक्ट करेगा कौन कौन होस्ट करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो कहाँ होगा हमारे ऑप्शन है फिनलैंड टेवोस बेल्जियम स्वीडन हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी टेवोस ये जो ट्विन समिट है इसका थीम होगा ग्रेट रीसेट और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका हेड क्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है कॉलस सचवेब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू नेशन साइन द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट एम्स एट अलाइंग द मिलिट्री ऑफ टू कंट्रीज टू यूज ईच अदर बेस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सप्लाइज एंड रिपेयर्स किन दो तो नेशन ने हाल ही में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के मिलिट्री बेस को यूज़ कर सकें तो हमारे ऑप्शन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूके इंडिया फिनलैंड इंडिया एंड अमेरिका हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हाल ही में ही इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ है जिसमें ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें दोनों कंट्रीज अपने मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू रिस्टार्ट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पार्ट ऑफ इट्स सॉलिडराइड ट्रायल हमारे ऑप्शन हैं डब्लू टी एच केयर इंटरनेशनल डब्ल्यू एच ओ एंड ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से एच सी क्यू की सॉलिडरी ट्रायल को फिर से स्टार्ट कर दिया है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डब्लू एच ओ डब्लू एच ओ का हेड क्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया प्लेस टू डोनेट यू एस टी डैश मिलियन टू इंटरनेशनल वैक्सीन अलाइंस जी ए वी आई ग्लोबल वैक्सीन समिट हाल ही में जो ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ है यूके में उसमें भारत ने कितने यूएसडी एस मिलियंस डोनेट करने के लिए प्लेज लिया है हमें ये बताना है तो हमारे ऑप्शन है टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हमारा करेक्ट ऑप्शन है फिफ्टीन इंडिया ग्लोबल वैक्सीन समिट में फिफ्टीन यू एस डी मिलियन डोनेट करेगा टू इंटरनेशनल जी ए वी आई जी ए वी आई को इंडिया 15 USD मिलियन डोनेट करेगा ग्लोबल वैक्सीन समिट ये जो वर्चुअल समिट हुआ था इसको ओपन किया था यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने और जो जी ए वी आई है इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलाइंस फॉर वैक्सिंग एंड इम्यूनेशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज दर्ल्ड इन्वामेंट डे हमारा ऑप्शन है थ्री जून फोर जून फाइव जून एंड सिक्स जून हमारा करेक्ट ऑप्शन है फाइव जून फाइव जून को ही वर्ल्ड इन्वामेंट डे की तरह मनाया जाता है इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी यू एन डी पी एन एम ओ आर टी एच नैशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टलिटी ऑन हाईवे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन फाइव जून ट्वेंटी ट्वेंटी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है यू एन डी पी एन एम ओ आर टी एच अवेयरनेस कैंपेन को जिसके अंतर्गत वो ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टिलिटी को प्रिवेंट करेंगे ऑन हाईवेज तो वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है तो हमारे ऑप्शंस हैं एच आर डी एंड फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एम एस एम ई तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एम एस एम ई ने हाल ही में इस कैंपेन को लॉन्च किया है और इस मिनिस्ट्री के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एम एस एम ई मिनिस्ट्री जो है वो नितिन गडकरी के अंडर आती है थैंक यू स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको इसी तरीके से और एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करती रहूँ थैंक यू